गणेश शंकर विद्यार्थी जी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, उनका पाठ पढ़ने जा रहे हैं। धर्म की आड़ में गणेश शंकर विद्यार्थी जी का जन्म 1890 में इलाहाबाद में हुआ था और 1921 में कानपुर के दंगों में उनकी जान चली गई थी। इस तरह से कुल 41 बरस की उम्र उन्होंने पाई थी। ज़्यादातर समय जेल में बीता था और अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने ब्रिटिश मुलाजिमत के लिए एंट्रेंस की परीक्षा पास की थी, जो एक बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। और उसके बाद उन्होंने कानपुर के करेंसी ऑफिस में काम किया था, उसमें उनका अपॉइंटमेंट हुआ था और अपना एक वीकली न्यूज़पेपर निकालते थे प्रताप। और ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी वो उनके पीछे पड़ी रहती थी और उनको बार बार जेल में डालती थी और चाहते थे कि वो अपना न्यूज़पेपर बंद कर दें। और गणेश शंकर विद्यार्थी जी जो थे वो जो ऊंच नीच और ऊंचा नीचा और अमीर गरीब की जो भेदभाव करते थे उन लोगों को खूब सुना देते थे अपने अखबार के थ्रू और काफ़ी खिंचाई करते थे ऐसे लोगों की। धर्म की आड़ जो है ये चैप्टर आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि ये चैप्टर आप ये सोचिए कि कम से कम आज से 80-90 साल पहले लिखा गया होगा, लेकिन स्टिल इट इज़ क्वाइट एप्लीकेबल ऑन द सिचुएशन ऑफ इंडिया कि जो रिलीजियस हेट्रेड आजकल आप देख रहे हैं और बहुत काफ़ी चीज़ें जो आजकल हो रही हैं वो पुराने ज़माने से ही संदर्भ में ली गई हैं। और लेकिन इसमें एक उम्मीद की किरण भी दिखाई देती है। कई जगह आपको दिखेगा कि गणेश शंकर विद्यार्थी जी जो हैं उनको लगता है कि आने वाले समय में रिलीजियस हेट्रेड मिट जाएगी, ऐसा काम करना जो है उसूलों के खिलाफ होगा, इसकी अलाउंस नहीं होगी, कोई भी सरकार इसको अगर अपना स्वदेश आया तो इस बात को मान्यता ही नहीं दी जाएगी, क्योंकि हमारे जितने भी लीडर्स थे उस समय वो बहुत विलायत से फॉरेन से एजुकेशन प्राप्त थे। लीडर्स सारे ऑलमोस्ट जितने भी प्रोमिनेंट लीडर्स थे वो सारे के सारे जो हमारे लॉयर्स थे, तो लॉयर्स थे तो ऑब्वियस ही बात है कि उनको भी लगता था कि भाई अब जो पढ़े लिखे लीडर्स हैं वो देश में बहुत डिफरेंट तरीके का माहौल लेकर आएंगे और उनको बहुत उम्मीदें थी कि आने वाला समय जो है बहुत बेहतर होगा। ये इस वक्त जो 1921 में उन्होंने शायद लिखा होगा या 1918 या 1920 में, तो उनको लगता था कि आने वाले टाइम में समाज का माहौल बहुत सुधर जाएगा। धर्म की आड़ पाठ जब शुरू होता है तो इसके शुरू की लाइन्स हैं कि इस समय देश में धर्म की धूम है, उत्पात किए जाते हैं तो धर्म और ईमान के नाम पर, और जीत की जाती है तो धर्म और ईमान के नाम पर। रमुआ पासी और बुद्धू मियाँ धर्म और ईमान को जानी अनजान न जाने परंतु उनके नाम पर उबल पड़ते हैं और जान लेने और जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब इस वक्त जो पाठ शुरू हुआ है उसमें गणेश शंकर विद्यार्थी जी ने पहले दो पैराग्राफ्स में क्या नेरेट किया है वो मैं आपको एक लब्बो लुआब या एक कॉन्सेंट्रेट जिसे कहते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ कि वो ये कहते हैं कि लोगों को रिलीजन के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं होता, उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी किताबें या रिलीजियस बुक्स पढ़ी नहीं होती, उनको जो बेसिक जो एक तत्व है धर्म का वो नहीं मालूम होता है, बस उनको कोई भी आके कहते हैं कि हमारा धर्म खतरे में और वो लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो उन्होंने एग्जांपल दिया है एक हिंदू का और एक मुस्लिम का कि रमुआ पासी और बुद्धू मियाँ। तो उन्होंने ये सीधे सीधे कहा है कि लोगों को बेसिक नॉलेज नहीं है धर्म की और वो जो आपस में लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाते हैं कि कोई भी आके उनको भड़का देता है। अच्छा, भड़काता कौन है? पॉलिटिकल लीडर्स। तो उन्होंने कहा है कि जो लोग इनको भड़काते हैं उनको अपनी सुप्रीमेसी कायम रखनी पड़ती है, उनको मालूम है कि इनको बांटे बिना हमारा काम नहीं चलेगा, तो वो लोग क्या करते हैं कि आपस में लड़वा के और अपनी सुप्रीमेसी कायम रखते हैं, अपना बड़प्पन अपनी लीडरशिप कायम रखते हैं, क्योंकि लोग तो आपस में लड़ मर रहे हैं तो ये लोग जो है अपना फ़ायदा उठाते हैं फिर लोगों का कि आपस में लोगों को लड़वा के। और साधारण से साधारण लोग भी थर्ड पैराग्राफ जो है उसमें वो कहते हैं कि साधारण से साधारण मतलब नॉर्मल से नॉर्मल आदमी सोचता है कि मैं अगर अपनी धर्म के लिए जान दे दूँ तो बहुत अच्छा है, ये बहुत बढ़िया काम होगा। और उनको लगता है कि जो लकीर वो पीट रहे धर्म के नाम पे रिलीजियस एक्टिविटीज़ में वो धर्म के लिए बहुत अच्छा है। और इस सिचुएशन का फ़ायदा जो होते हैं बहुत चालाक लोग होते हैं जो लीडर्स होते हैं और जो कॉरपोरेट्स होते हैं वो इस चीज़ का बहुत फ़ायदा उठाते हैं क्योंकि रिलीजियस हेट्रेड को बढ़ावा देते हैं वो लोग अपने फ़ायदे के लिए। फोर्थ पैराग्राफ में जब आप आते हैं पाश्चात्य देशों में धनी लोगों की गरीब मजदूरों की झोंपड़ी का मजाक उड़ाती हुई अट्टालिकाएं आकाश से बातें करते हैं। अट्टालिकाओं का मतलब है स्काई स्क्रेपर बिल्डिंग्स होती हैं, हाई राइज बिल्डिंग्स होती हैं,
तो अब इन्होंने पहले तीन पैराग्राफ्स जो भारत की सिचुएशन थी रही होगी उस वक्त या आज की तारीख में, उसके लिए लिखा है कि लोग जो है धर्म के नाम पे आपस में लड़ते मरते हैं और बड़े बड़े लोग जो होते हैं हुक्मरान हैं, लीडर्स हैं, कॉरपोरेट्स हैं, उनका फ़ायदा उठाते हैं। फोर्थ पैराग्राफ में वो अचानक जो है वेस्टर्न कंट्री पे एक लीप जंप लिया उन्होंने और उन्होंने कहा है कि हमारे यहाँ धर्म के नाम पे लोग फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो होते हैं कॉरपोरेट्स हैं वो पैसे के नाम पे बेवकूफ़ बनाते हैं और उनको क्या है कि गरीबों को और गरीब बनाते जा रहे हैं, खुद और मोटे होते जा रहे हैं, और इसी कारण बोल्शेविज्म और साम्यवाद जो है कम्युनिज्म जो है उसका जन्म हुआ था कि जिसका भी धरती पे सबका अधिकार है और सबको बराबर पैसा मिलना चाहिए, सबको बराबर हिस्सा मिलना चाहिए। तो लेकिन हमारे देश में क्या है, उन्होंने बताया कि कॉरपोरेट्स का इतना जोर नहीं है या जो धन कुबेर हैं या रिच पीपल हैं उनका जोर नहीं है यहाँ पे। उन्होंने कहा है कि विदेशों में क्या है कि धन की मार है कि पैसा कमाने के लिए आपस में भिड़वा रहे हैं, आपस में लड़ाइयाँ करवा रहे हैं, लेकिन इंडिया में क्या है कि अपना बड़प्पन कायम करने के लिए राजनेता या पॉलिटिकल लीडर्स जो होते हैं दे क्रिएट डिफरेंसेस बिटवीन द पब्लिक कि वो लड़ाइयाँ करवाते रहते हैं, पब्लिक जो है वो लड़ाइयों में बिजी रहती है और उसके बाद में जो है वो अपनी सत्ता कायम रखते हैं। तो वो कहते हैं कि लोगों को जो एक आपस में धर्म के नाम पे लड़वाया जाता है उसके लिए बहुत एफर्ट्स होने चाहिए। उसका जो आपका सेवन्थ पैराग्राफ है वो है उद्योग होना चाहिए। उद्योग का मतलब है एफर्ट्स होने चाहिए, किस तरीके की जो हेटरेड है और जो कन्फ्यूज़न है उसको मिटाया जाना चाहिए। और जो इनका एट्थ पैराग्राफ है उसमें लिखा है कि धर्म की उपासना के मार्ग में कोई भी रुकावट नहीं हो। तो इन्होंने सीधे सीधे कहा है कि हर आदमी अपने हिसाब से अपना धर्म मानने के लिए स्वतंत्र है, हमको कोई हक नहीं बनता कि हम किसी और के रिलीजन में जाके हस्तक्षेप करें या उसमें इंट्रूड करें, भाई तुम ये धर्म क्यों मान रहे हो, ये धर्म मानो, ऐसा कुछ नहीं है। किसी को भी किसी का भी धर्म मानने के लिए पूरी छूट होनी चाहिए, आपस में कोई किसी को एक शब्द भी ना बोले। नेक्स्ट पैराग्राफ इस देश की स्वाधीनता के लिए जो उद्योग किया जा रहा था उसका वह दिन निस्संदेह अत्यंत बुरा था जिस दिन स्वाधीनता के क्षेत्र में खिलाफत, मुल्ला, मौलवियों और धर्माचार्यों को स्थान दिया जाना आवश्यक समझा गया। अब आप इस बात को समझिए कि 1921 तक हमारा स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन बिल्कुल सही चल रहा था, लेकिन तब से क्या हुआ कि कुछ उसी दौरान कुछ टाइम में रिलीजियस लीडर्स को जो है पॉलिटिक्स में बुला लिया गया कि इनका इन्फ्लुएंस बढ़ेगा तो और पब्लिक हमारे साथ में आएगी। उससे क्या हुआ कि इन्फ्लुएंस बढ़ने की जगह पब्लिक में आपस में लड़ाइयाँ मराइयाँ शुरू हो गई कि जो है तुम उस धर्म के हो, मैं इस धर्म का हूँ। तो उससे क्या हुआ, कहते हैं कि उसी पाप का फल हमें आज भोगना पड़ रहा है, क्योंकि देश की स्वाधीनता संग्राम ने जो है बहुत सारी जो रिलीजियस लीडर्स हैं उनको दूसरे रेफरेंस में लेना शुरू कर दिया और इनको पावरफुल बना दिया। जो रिलीजियस लीडर्स हैं उन लोगों को इतना पावरफुल बना दिया कि उसी चक्कर में देश का स्वतंत्रता संग्राम तो पीछे चला गया, आपस में मनमुटाव और दंगे फसाद होने शुरू हो गए और वो चीज़ जो है बहुत ज़्यादा घातक सिद्ध हुई। अच्छा, अब इन्होंने महात्मा गांधी जी का ध्यान धर्म वो एक एग्जांपल दिया है कि महात्मा गांधी धर्म को सर्वत्र स्थान देते हैं, वो एक पग भी धर्म के बिना चलने के लिए तैयार नहीं। तो उन्होंने धर्म की डेफिनेशन बताई है यहाँ पे। उन्होंने बताया है कि धर्म का मतलब है बहुत पीसफुल और धर्म के तत्व को समझना। किसी भी धर्म के में ये नहीं सिखाया गया है कि हम किसी के खिलाफ काम करें। तो महात्मा गांधी जो हैं वो बिना धर्म के कोई काम ही नहीं करते थे, उनका धर्म बहुत स्ट्रांग था। धर्म का मतलब है कि उनकी अपनी मान्यताएं, नीतियां बहुत स्ट्रांग थी और उनको धर्म का तत्व मालूम था कि हमें कभी भी किसी के खिलाफ कुछ भी नहीं करना चाहिए, सबको अपनी अपनी ज़िंदगी जीने का हक है। तो उदार, महात्मा जी का मतलब धर्म और ऊंचे और उदार तत्वों का मतलब, हमारे जो धर्म का मतलब है कि हमारे जो अपनी वैल्यूज़ हैं बहुत हाई होनी चाहिए, बहुत प्योर होनी चाहिए और बहुत सॉफ्ट होनी चाहिए। और उस और ऐसा धर्म माने में किसको एतराज़ होगा, है ना, जब हम सभी को वैल्यू देते हुए चलेंगे। अब आगे गणेश शंकर विद्यार्थी जी कहते हैं कि अगर आप पूछ दिन आपको लगता है कि आपने अपने हिस्से की पूजा कर ली है, आपने अपने हिस्से की प्रार्थना कर ली है, जो भी धर्म आप मानते हैं और आपने अपना जो लोकाचार है वो निभा लिया है और उसके बाद में आप किसी से भी चीटिंग करने के लिए इंडिपेंडेंट हैं और आप किसी को भी धोखा देने के लिए इंडिपेंडेंट है, क्योंकि आपने तो ब्राइब कर दिया ऊपर वाले को कि भाई मैंने इतनी प्रेयर करनी थी मैंने कर ली, मैंने इतनी पूजा करनी थी कर ली, अब तो मैं किसी को भी चीट करने के लिए रेडी हूँ और इंडिपेंडेंट हूँ। नहीं, वो कह रहे हैं कि ये गलत है।
क्योंकि आपका जो एक जेंटलमैनशिप की जो कसौटी होगी या जो जिसको वेरीफाई किया जाएगा वो आपके आचरण से, यानी कि आपके बिहेव से आपको तोला जाएगा कि आप कैसे हो। क्योंकि आप अगर अपने बिहेवियर को नहीं सुधारते हैं, आचरण मतलब बिहेवियर नहीं सुधारते हैं, तो आप क्या करेंगे? आप दूसरे लोगों को तंग करेंगे, दूसरों लोगों की इंडिपेंडेंस में और उनके उनको तंग करेंगे और पूरे देश को बर्बाद करेंगे तरह तरीके के झगड़े करके, तो वो चीज़ गलत है। अब आगे ये कहते हैं कि ऐसे रिलीजियस लोगों से जो कि प्रे बराबर प्रे करते हैं, बराबर पूजा करते हैं, बराबर जो है शंख घंटे वंटे बजाते रहते हैं और जाके फिर पब्लिक को तंग कर रहे हैं, दूसरों को चीट कर रहे हैं, तो कहते हैं ऐसे लोगों से वो लोग ज़्यादा बेटर हैं जो कुछ नहीं करते, कोई प्रेयर कोई पूजा कुछ नहीं करते, लेकिन किसी को धोखा भी नहीं देते। आप बात समझ रहे हैं? क्योंकि ऊपर वाला जो है साफ दिल के लोगों को पसंद करता है, ऊपर वाले को पता है कि इस बंदे ने किसी को भी चीटिंग नहीं किया है, किसी को भी धोखा नहीं दिया है और किसी को भी नीचा नहीं दिखाया है और किसी भी की भी धर्म में खलल नहीं डाला है, किसी को भी परेशान नहीं किया है। तो दीज काइंड ऑफ पीपल हु आर वेरी ऑथेंटिक, हु आर वेरी प्योर हर्ट एंड वेरी सॉफ्ट वेरी जेंटल, दे आर प्रेटी क्लोज टू द गॉड्स हर्ट। तो ये जो चैप्टर है वो बेसिकली रिलीजियस हार्मनी के लिए लिखा गया है कि हमें आपस में मिलजुल के रहना चाहिए, हमें ऐसे गुंडा एलिमेंट्स में या फिर ऐसे लोगों में विश्वास नहीं करना चाहिए जो आपस में हेट्रेड फैला के अपना उल्लू सीधा करते हो। तो धर्म की आड़ चैप्टर आज से 100 साल पहले भी इंडिया पे उतना ही एप्लीकेबल था जितना कि आज है। तो आई होप आपको चैप्टर पसंद आया होगा। आपको कोई भी किसी भी तरह का संशय है या कोई डाउट है, यू कैन यू प्लीज़ फील फ्री टू आस्क मी, आई एम ऑलवेज देयर, माई व्हाट्सएप नंबर इज़ देयर इन फ्यू स्लाइड्स। ओके, चलो, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय, टेक केयर।